कोई स्ट्रिंग पाइथन में पैलिंड्रोम है या नहीं इसको पता करने के लिए एक छोटा सा कोड यहाँ पर लिखा गया है, आप देख सकते हैं इस कोड को, और यहाँ पर मैंने लिखा है मलयालम, ये देख सकते हैं ये मलयालम लिखा हुआ है, और अब हमें ये पता करना है कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए पैलिंड्रोम होता क्या है। पैलिंड्रोम का मतलब ये होता है कि आप चाहे राइट साइड से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, चाहे लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ पढ़ते हुए चले जाइए, दोनों ही कंडीशन में नाम सेम होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से पढ़ता हूँ M A L A Y A L A Y A L A M, तो ये मलयालम लिखा हुआ है। सेम यही कंडीशन राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं तो M A L A Y A L A M मलयालम, इधर से भी मलयालम है, इधर से भी मलयालम है। इस तरह की चीजों को पैलिंड्रोम बोला जाता है, इस तरह के स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम बोला जाता है। अब इसको अगर मैं रन करता हूं इस प्रोग्राम को, तो ये ट्रू में आंसर हमें देगा। तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर देखिए ये अभी फॉल्स दे रहा है, फॉल्स दे रहा है, दिख रहा है। फॉल्स क्यों दे रहा है? फॉल्स इसलिए दे रहा है क्योंकि यहां पे ये हमने कर दिया है स्मॉल। तो अगर मैं इसको कैपिटल कर देता हूं, एम को कैपिटल कर देता हूं और फिर यहां पर इसको रन करता हूं, तो आप देखेंगे कि ये ट्रू में आंसर हमें देगा। तो ये देखिए ये ट्रू में आंसर आ रहा है, यानी कि ये पैलिंड्रोम है, ठीक है।